अपने पे भरोसा करने की वजह से 10वीं के छात्र कुशाग्र कनौडिया की हत्या कर दी जाती है। और जहां वो पढ़ा करता था जयपुरिया स्कूल में, आज हम लोग उसी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ अभिभावक भी हैं, कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कितना मुश्किल होता है जब अपने ही धोखा दे देते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम होते हैं। वह काफ़ी विभत्स ये घटना थी, काफ़ी दर्दनाक है। क्या लगता है अभिभावक होने के तौर पर, कितना मुश्किल हो गया आज अपनों पर विश्वास? ये तो जो दुर्घटना हुई है ऐसी है कि मतलब इसका कोई मुआवजा या कोई किसी तरह का इसमें वो नहीं कर सकते। जो इतनी बड़ी घटना है कि हम ट्यूशन बेच रहे हैं अपने बच्चे को और मेरा बच्चा वापस नहीं आ रहा है, उसका अपहरण हो रहा है और उसके बाद उसका मर्डर हो जा रहा है, उसके बाद उसके घर में चिट्ठी फेंकी जा रही है। मतलब बहुत ही दुखदायी घटना है। जिसके बच्चे के साथ हुआ होगा वो वही समझ सकता है, उसी के दिल से गुजर रही है। हम लोग जब सुने हैं तो हमारे दिल में कितनी तकलीफ पहुंची है, तो उसके पेरेंट्स के दिल में क्या हुआ होगा। और भरोसे की बात है तो किस पे भरोसा करें? अब पेरेंट जाके ट्यूशन में बैठ तो सकते नहीं कि मेरा बच्चा जब पढ़ ले और वो आए, क्लास 10th का बच्चा है, 15-16 साल का बच्चा है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसके साथ उसको कितना ट्रस्ट होगा कि वो वहाँ पर जहाँ टीचर ने बुलाया वहाँ चला गया? कितना ट्रस्ट वाली बात होगी? आप अपने किसी 18 साल के बच्चों को कोई किसी अनजान आदमी से कहेंगे कि उसके पास चले जाओ तो वो नहीं जाएगा? अगर कोई बुलाएगा, चाहे 12th का बच्चा हो, कहेगा तुम्हारे पापा आए लेने, तुम्हें बुला रहे हैं, तो एक बार दूर से देख लेगा और चला जाएगा कि नहीं मेरे पापा नहीं, भाई जब आएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन जो ये घटना हुई है, इतने बड़े अच्छे स्कूल का बच्चा, बहुत ही तकलीफ दे बात है। और मैं चाहूँगा कि सब बच्चे भाई सुरक्षित रहें, सबकी औलाद औलाद होती है, चाहे कोई भी हो, सब बच्चे अपने घर में सुरक्षित रहें, पढ़ाई करने आए। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि कोशिश करें कि भाई ट्यूशन टीचर अपने घर ही बुला लें अगर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इतनी कोचिंगें खुली हुई हैं, हर सब्जेक्ट की अलग कोचिंग है, तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन भाई सतर्क रहें बस, और कुछ नहीं। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है आज अपनों को ऊपर भी भरोसा करना। आपको क्या लगता है, वाकई में अपनों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया जिस तरह से खुद ही के ट्यूशन टीचर उसी के प्रेमी ने हत्या कर दी? देखिए, मुश्किल तो है भरोसा करना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बिना भरोसा करे काम नहीं चलता। अब बच्चे को स्कूल तो भेजेंगे ही, ट्यूशन तो भेजेंगे ही। हाँ, ये है कि आप जितना कॉशियस रह सकते हैं रहिए, आप बीच बीच में स्कूल ट्यूशन की जगह विजिट करिए, देखिए वहाँ का माहौल कैसा है, कैसा टीचर है वहाँ का, और बाकी स्कूल भी विजिट करिए। और स्कूल भी अपनी तरफ से सख्ती रखें कि हमारे स्कूल में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा, खुद भी चेक करें, पेरेंट्स भी चेक करें। देखिए, घर बिठा के तो रख सकते नहीं हैं बच्चे को, घर के बाहर तो हमें भेजना ही पड़ेगा। और आज तो ट्यूशन जा रहा है, कल को जॉब करेगा, बाहर जाएगा, तो हमको बच्चे को भी सिखाना चाहिए कि सेफ्टी कैसे करनी है अपनी और कैसे होनी है। और पेरेंट्स के ड्यूटी के हिसाब से आपको खुद भी विजिलेंट रहना है। ये नहीं आपने बच्चे को छोड़ दिया, जा रहा है आ रहा है, आपने फीस पे कर दी, ऐसे नहीं होता। स्कूल में भी पेरेंट टीचर मीटिंग के अलावा भी आप आइए, विजिट करिए, देखिए स्कूल में कितनी सिक्योरिटी है, कितनी सिक्योरिटी नहीं है, किस तरह से पेश आ रहे हैं। देखिए, इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अब प्रिंसिपल जो है वो हर एम्प्लॉय के बारे में तो घुस नहीं जाएगा अंदर की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो और बच्चे से बात जरूर करें रोज़, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे से रोज़ पूछिए कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ, आज आपके कोचिंग में क्या हुआ। उसकी बातों से कोई पॉइंट निकल कर आए तो तुरंत कॉशियस हो जाइए, तुरंत जाइए। ये नहीं कि हाँ आलस कर रहे हैं या अरे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का लड़की दोनों इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपकी लड़की है तो आप ज़्यादा कॉशियस रहिए, लड़का भी इम्पॉर्टेंट। देखिए, यहाँ तो लड़का चला गया ना, तो थोड़ा सा विश्वास तो करना ही है हमें, पर कॉशियस रहना है। हम ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, क्या करें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अपने बच्चों के साथ संवाद बनाकर रखना ये भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, जो इस तरह की तो घटना हुई है, बहुत विभत्स घटना है, दर्दनाक घटना है, घटना के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, और उसके बाद कितना मुश्किल हो गया आप अपनों पर विश्वास करना? घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी बच्चे की जान जाए या किसी की भी जान जाए, जान जाना ही अपने में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वाले मामले में ये विश्वासघात का मामला है। एक टीचर ने अपने ही पढ़ाने वाले शिष्य के साथ जो है ये हत्या जैसा आरोप लगा हुआ है, तो इसमें इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये विश्वासघात हुआ है। एक गार्जियन क्या कर सकता है, कैसे अपने आप को अवेयर रह सकता है? जो अभी साथी थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, और
भाई बच्चा तो हमें हर हाल में भेजना ही, कहीं ना कहीं तो पढ़ने जाएगा, ये कहाँ तक अब हमें जाना है। हाँ, इसके लिए ये सबसे अच्छा मार्ग है कि हमें अपने बच्चों के हमेशा लगातार संपर्क में रहना है, उनसे पूछते रहना है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में जानना है। हम किसी एक व्यक्ति विशेष पर जा करके उसके सहारे रह करके भरोसा नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चे से ही जानकारी करना होगा कि कहीं कोई ऐसी घटना हो तो हम उससे पहले सतर्क हो जाएँ। ये बिल्कुल सही बात है, कोई घटना हो उससे पहले ही सतर्क होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है जब अपने इस तरह का विश्वासघात करते हैं, और कहाँ तक बच्चों को फिर बचाया जा सके, क्या तरीके हैं? सर, इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों के जो टीचर हैं उनके सबके नंबर रखिए। हर तीसरे चौथे दिन टीचर्स पूछ लीजिए कि बेटा आज हमारा आया है कि बेटी हमें आ रही है, टाइम से आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद उनसे वहाँ के बारे में, पढ़ाई के बारे में उनसे पूछते रहिए कि बेटा मेरा टाइम से आया कि नहीं आया। क्योंकि कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि स्कूल गोल करके हो सकता है कोई सेटिंग हो किसी लड़की से या कुछ, तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चों की ओर से डेली जो है आप बच्चों से बात करते रहिए। पहले ये तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से बात करते रहिए कि बेटा आज क्या हुआ है, आज तुम क्या पढ़ के आए हो, उसकी कॉपी चेक कीजिए कि हो सकता है वो झूठ भी बोल सकता है कि पापा हमने आज ये पढ़ा है और वो पता चला गया ही नहीं हो वहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों की कॉपी चेक करते रहिए, बीच बीच में स्कूल भी जा के देखते रहिए, कोचिंग जा के देखते रहिए, जिस तरह की यह घटना हुई है उस टीचर के साथ, टीचर ने उस बच्चे को मार दिया, ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। इसके लिए प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि 48 घंटे के अंदर उस चीज़ को कैप्चर किया। तो हमारे हिसाब से उनको, उन लोगों की बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उस टीचर को, जिससे और लोग इससे देख के ये समझें कि ऐसा है कि इस तरीके की घटना हम आगे ना करें। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपसे भी बात कर लेते हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक तो बहुत विजिलेंट रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए बच्चों, और ख़ासकर ये भी होना चाहिए कि बच्चे किसके साथ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जो शिक्षिका आरोपी है उसके प्रेमी के ऊपर आरोप लगाया कि वो उसके साथ चला गया था। तो ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों पर देखना कि वो सबके साथ ना जाए। एक तो इस टाइम बच्चों के परिवार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, बेचारों ने इतना बड़ा जो है दुख झेला है, सबसे पहले उस परिवार के साथ हम हमदर्दी जताते हैं और उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा उन परिवार की पीड़ा है, हम लफ्ज़ों में तो उसको बयान किया ही नहीं जा सकता जितना भी वो परिवार इस टाइम पीड़ा में है। बताइए किसके ऊपर आखिर इंसान विश्वास करे? अब सवाल यहाँ पे आ जाता है, अपनों पे करे, अब अपनों पे ना करे तो गैरों पे करे, किस पे करे? है हर आदमी जो है मौका चूकते ही दगा देने के लिए यहाँ पे है। बताइए अब ये जमाना आ गया है, बताइए किस पे? घर में आने वाली टीचर 7-7 साल से जो आ रहे हैं वो तो घर के मेंबर की तरह हो जाती है, है? अब घर के मेंबर जब जो हो जाता है तो फिर उसको सब घर की बातें पता होती है, घर की तरह होती है, अपना आराम से आती हैं जाती हैं, उठते बैठते कोई दिक्कत नहीं होती उनको। अब वही अगर कर दें तो अब किस पे विश्वास करें? विश्वास तो बिल्कुल रहा ही नहीं दुनिया में, ये है। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो कुछ साल पहले तक तो ये होता था कि जो अपराधी हुआ करते थे वो रैंसम के लिए, फिरौती के लिए अपराध करते थे, किडनैप करते थे और कभी कभी हत्या भी हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को आ रहा है कि जो घर के अपने ही लोग हैं, घर के आस पड़ोस के लोग हैं, जानने वाले हैं, वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ संवाद करिए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति किसी भी परिवार के साथ ना हो। कैमरा में शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।